नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केएल राहुल की, उनके स्वास्थ्य की। वापस मैदान में कब तक लौटेंगे? आप सब जानते ही हैं कि पेट में दर्द की शिकायत उनको हुई थी, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इस सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। सबसे पहले राकेश जी, केएल राहुल की कुंडली क्या कहती है? देखिए नम्रता जी, केएल राहुल की जो कुंडली है वो धनु लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में शनि और थर्ड हाउस में मंगल बैठा हुआ है। यह कुंडली मेडिकल से संबंधित समस्याओं के चलते मान सम्मान करियर में हर तरीके से रुकावट देती है। मंगल कहीं ना कहीं शनि यहाँ सेकंड हाउस में बैठकर और मंगल थर्ड हाउस में बैठकर स्वास्थ्य से संबंधित अवरोध आने की वजह से सभी कार्यों में ये रुकावट देता है और इस तरीके की कुंडली इशारा कर रही है। और वर्तमान में हमने देखा भी है कि एक अच्छा खासा प्रदर्शन ये कर रहे थे और शायद इंडियन टीम्स के जितने भी नोन प्लेयर्स थे उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन इनका था इस T20 सीरीज में। लेकिन अगर देखें, अचानक स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको अचानक समस्या हुई और शायद अब तो IPL भी सुनने में आ रहा है कि कैंसिल है, और शायद हो सकता नहीं कैंसिल होता तब भी वो IPL नहीं खेल पाते, इस तरीके का योग दिख रहा है उनकी कुंडली में। तो कहीं ना कहीं रुकावट करियर में उनको स्वास्थ्य देगा नम्रता जी। तो ये जो अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये किस तरीके से तकलीफ देगा? खेल के लिहाज से ना देखें, अगर हम उनकी ओवरऑल लाइफ के हिसाब से देखें, कब तक उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अभी जो वर्तमान गोचर है और वर्तमान ग्रहीय स्थितियां जो कह रही हैं कुंडली के ग्रहों के अनुसार, वो इशारा करती हैं कि इस वर्ष 2021 पूरा दिसंबर लास्ट तक इनके लिए कठिन समय रहेगा और इनको फाइट बैक करके वापस आना है। शायद ये अपने एक बार फिर से उसी फॉर्म में वापसी करें, लेकिन अभी जो 2021 का जो होरोस्कोप कहता है इनका, वो थोड़ा सा कठिन है इनके लिए, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे इनके व्यक्तिगत चीज़ों के लिए हो, चाहे इनके स्वास्थ्य और परिवार को लेकर हो, हर तरीके से कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ ना कुछ रुकावट या संकट की तरफ इशारा करता है। तो फिर तो अगर हम इसे T20 वर्ल्ड कप से जोड़कर देखें तो उसमें भी हो सकता है ये ना खेलें? हो सकता है। अगर यह T20 वर्ल्ड कप, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर नहीं टला और इसी वर्ष हुआ तो हो सकता है कि इनकी जगह किसी और खिलाड़ी को लेना पड़े और ये टूर्नामेंट से दूर रहें। और सिर्फ मात्र एक ही कारण है, इनके ग्रही स्थिति, स्वास्थ्य का संकट इनके ऊपर रहेगा इस वर्ष। तो केएल राहुल के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं और आने वाले कई मैचों में अगर होते हैं तो उनको खेलते हुए आप शायद ना देख पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत आभार।